विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में न्याय, स्वतंत्रता, समता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता व बंधुत्व को समर्पित 73वें गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने ठीक 11 बजे ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। घने काले बादलों के बीच घिरे ठोडो मैदान में जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, ऐसा भारत देश है मेरा की सुमधुर धुन के बीच हुई परेड ने सभी को रोमांचित कर दिया। गणतंत्र दिवस की परेड को देख हर कोई उत्साहित दिखाई दिया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने देश सहित प्रदेश व जिला वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी व कहा कि हमें विचार करना चाहिए कि 73 वर्ष पूर्व हमारा देश कैसा था व आज किस जगह खड़ा है व आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। विपिन सिंह परमार ने कहा कि देश व प्रदेश की सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा, आज पूरा देश इस गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और हिमाचल प्रदेश भी इसी कड़ी में इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आजाद हुआ हिंदुस्तान, पर हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए थी जिसके सांचे में हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये संविधान वर्ष 1950 यानी 26 जनवरी को अपनाया गया और ये जो कार्यक्रम हम इस शक्ल में पूरे देश में, प्रदेश में, जिला केंद्रों पर देख रहे हैं, मुझे तो सिर्फ यही कहना है कि हम इन पिछले 75 वर्षों में या गणतंत्र दिवस के इन 73 वर्षों में ये शायद हमें समीक्षा करने की भी जरूरत है। वहीं इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सम्मानित किया। रंगारंग कार्यक्रम ने भी इस कार्यक्रम में खूब चार चांद लगाए। सोलन के उपरांत कंडा अभिकरण की ओर से इन्हें मिला प्रोत्साहन अन्य को इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। विकास विभाग द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हें जन जन, मनरेगा के तहत कार्य दिवस सही प्रकार से पूरे हों, सही समय पर दिहाड़ी हमारे मजदूरों को मिले और पंचवटी पार्क जो कि सरकार की इंद्र शर्मा जी यहाँ अपना सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। सभी नगर पंचायतों में चौथे स्थान पर नगर पंचायत अर्की कार इस सभी दिशाओं में पहल ने अनुकर इनके उपरांत सोलन का साईं संजीवनी अस्पताल के दौरान बेहतरीन कार्य किया है। सबसे पहले डॉक्टर अनिल अरोड़ा सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, इंचार्ज हैं सिविल हॉस्पिटल बद्दी के। पूरे कोविड नागरिक अस्पताल बद्दी के इनके उपरांत डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी इनके उपरांत सुचेत राम जी के समय में सैंपलिंग का काम हो, वैक्सीनेशन हो, इसमें सुचेत राम जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। सामने
इसके उपरांत सब इंस्पेक्टर संजय कुमार, एसएचओ पुलिस थाना कसौली, इनके उपरांत असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार इंचार्ज हैं स्पेशल, इनके इनके उपरांत कांस्टेबल रोशनी पुलिस थाना अत्यंत सराहनीय रही है। पीड़ितों को न्याय दिलाने में इन्होंने सराहनीय कार्य किया है। ₹21 फरवरी 2020 को सीड स्टोर नौणी विश्वविद्यालय, इसके उपरांत इनके उपरांत वह एक डेड बॉडी को बाहर निकाला, इन्हें यहां सम्मानित किया जा रहा है। प्रणाम जी, इन्हें भी इनकी सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया जा रहा है। कि किस इसके उपरांत जय किशन जी हैं जा रहा है, इनके उपरांत शैलेंद्र शर्मा जी जौना जी से, गंडाघाट से राजेश ठाकुर जी तुंदल से, रामपुर से विश्वनाथ जी की, और अन्य जो इनके उत्पाद हैं उनसे ये लाखों की के साथ साथ सेब और कीवी पर काम कर रहे हैं। और अंत में राजेश कुमार है, इस दिशा में अपनी टीम के साथ बेहतरीन कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है।